ब्रेक परे स्वागत आसवा सबटो बड़ा खबर को गुजरात मुख्यमंत्री का इस्तीफा मुख्यमंत्री विजय रूपाणी देछंती इस्तीफा जहां की वर्तमान रो सबोठारु बड़ा खबर गुजरात मुख्यमंत्री इस्तीफा देछंती एवं विजय रूपाणी जे अछंती इस्तीफा नेबा परे मध्य अनेक प्रतिक्रिया सामना को आसुची केउथि पई हठात किना एभले निष्पत्ति नेले विजय रूपाणी गुजरात मुख्यमंत्री का इस्तीफा सबुठ वर्तमान रो बड़ा खबर केउं परिस्थिति रे केउं कारण पई विजय रूपाणी इस्तीफा देले ताकु नेकि एबे सबुठु चर्चा लागी रहछि किंतु सेतबेले जड़ा पड़िबो जेतबेले समस्त अंक सामनारे एवं गणमाध्यम सामनारे विजय रूपाणी तांकर प्रतिक्रिया रखिबे जे इस्तीफा देबा पछरे मुख्य कारण कौन किंतु वर्तमान रो बड़ खबर गुजरात मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इस्तीफा देछंती तेज वर्तमान बड़ खबर गुजरात मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इस्तीफा देछंती इस्तीफा देवा पछर मुख्य कारण सब कौन रही गुजरात रे बीजेपी रो आउ किछि रणनीति रही कि आउ काहाकु गुजरात रो दायित्व दिया जिवो कि एने कि एबे चर्चा आलोचना जोर धरी जाकि वर्तमान बड़ खबर गुजरात मुख्यमंत्री विजय रूपाणी वर्तमान इस्तीफा देछंती निज मुख्यमंत्री पदर वर्तमान बड़ खबर गुजरात मुख्यमंत्री इस्तीफा देछंती मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इस्तीफा देछंती इस्तीफा देवा पछर कौन रही मुख्य कारण आउ कहा को दायित्व दिया जिवो ना गुजरात राजनीति रे किछि बड़ परिवर्तन हबो ना कोनोसी हटचमट भितरी थिला जहाँकि सर्वसम्मुख को आसी नथिला एवं समस्त एवं आश्चर्य आगो को जहाँ दायित्व मिलिबो से तुलाइबे बोली वर्तमान प्रतिक्रिया रखी सारलेनी। ये ध्यान रखकर मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। संगठन एवं विचारधारा आधारित दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा रही है कि समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। यह हमारी पार्टी की विशेषता है कि जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है पूरे मनोयोग से पार्टी कार्यकर्ता का कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जो दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है कि जो आपण माने सुनथले विजय रूपाणी निजे ही प्रतिक्रिया रखुछंते कि जे इस्तीफा देबा परे पार्टी तरफ रु तांको जहां भी दायित्व दिया जिवा से सुचारु रूपे कार्य करबे एवं सुचारु रूपे ताकु तुलाइबे। वर्तमान बड़ खबर होउछि गुजरात मुख्यमंत्री विजय रूपाणी वर्तमान इस्तीफा देछंती निजे ही समस्त सम्मुखरे इस्तीफा देबा परे प्रतिक्रिया रखिछंती कि जे निज इच्छा से इस्तीफा देछंती कोनोसी चाप तांको उपरे पका जाइनी एवं परवर्ती समय रे दल पई संगठन पई जहां तांको दायित्व मिलिबो से सुचारु रूपे तुलाइबे। तेबे राज्यपाल को भेटी विजय रूपाणी इस्तीफा पत्र प्रदान करिछंती इस्तीफा पत्र प्रदान करने पर सर्वसम्मुख से निजर प्रतिक्रिया रखिछंती वर्तमान सबुठ बड़ खबर गुजरात मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इस्तीफा देछंती गुजरात राजनीति में मध्य परिवर्तन देखा जिवो परवर्ती मुख्यमंत्री किए हेब ताहा परवर्ती समय जना पड़ किंतु वर्तमान समस्त को आश्चर्य कला भाई कथा है कि जे गुजरात मुख्यमंत्री विजय रूपाणी राज्यपाल को भेटी इस्तीफा पत्र दे। अब मुझे पार्टी का द्वारा जो भी जवाब जिम्मेवारी मिलेगी उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नए ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मैं अवश्य काम करता रहूंगा। मैं गुजरात की
जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि विगत 5 वर्षों में हुए उपचुनाव या स्थानीय निकाय के चुनाव पार्टी और सरकार को गुजरात की जनता का अभूतपूर्व समर्थन, सहयोग और विश्वास मिला है। गुजरात की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी बनी है और मेरे लिए लगातार जनहित में काम करते रहने की भी ऊर्जा उससे बहुत मिली है। सरकार ने प्रशासन के 4 आधारभूत सिद्धांतों, पारदर्शिता, विकासशीलता, निर्णायकता, संवेदनशीलता के आधार पर जनता की सेवा करने का यथाशक्ति प्रयत्न किया है। इस कार्य में मंत्रिमंडल के मेरे सभी साथी, हमारे विधानसभा के सभी सदस्य, पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं जनता का संपूर्ण सहयोग मिला है। मैं सभी का इस सहयोग के लिए भी आभार प्रकट करता हूँ। मीडिया प्रतिनिधि निर्मल द्विवेदी अच्छा निर्मल जी, खुद ही इस्तीफा देने के बाद आपने प्रतिक्रिया रखे हैं कि इन फ्यूचर उनको जो भी दायित्व दिया जाएगा वो सभी ग्रहण करेंगे और वो उसी राह पे काम करेंगे, लेकिन वजह क्या थी इस्तीफा देने के पीछे? देखिए, हालांकि अभी कोई कारण पता नहीं चले हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपने लगातार पहले भी 4 मुख्यमंत्री बदले हैं और इसी के तहत कहा जा रहा था कि जिस तरह से कोरोना काल में जो मिसमैनेजमेंट हुआ है, हालांकि अब ये कयास ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कोरोना में जिस तरह से वहां पे जो व्यवस्था थी वो चरमराई थी, उसी वजह से कहा जा रहा है कि ये मुख्यमंत्री को हटना पड़ा है। और कभी कयास तो लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री जो हट सकते हैं विजय रूपाणी है, एक साल बाद जो इलेक्शन है और उसकी तैयारी के तहत जो है वो भी कहा जा रहा है कि एक नया चेहरा सामने लाया जाए ताकि गुजरात की छवि को बदला जाए, क्योंकि अभी तक जो गुजरात है वहां पे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है उनको इतना डैशिंग नहीं माना जाता है कि वो बोल्ड डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उस तरह की बात हो रही थी। वहीं अब जो है वो एक नए चेहरे को लाके बीजेपी ये बताना चाहती है कि अगर जो हमारे प्रधानमंत्री है उनकी बातों पे या उनके कामों पे अगर कोई खरा नहीं उतरता है तो वहां से बदला जाता है। आप जैसे बोल रहे हैं कि जो नेक्स्ट ईयर 2022 में गुजरात की इलेक्शन है उससे पहले एक साल के लिए पूरा कार्य चलेगा और एक पूरा एक प्लानिंग बनेगा कि अगली चुनाव कैसे बीजेपी में के हाथ में ही हो, उसके बाद इसके लिए जो काम करेंगे विजय रूपाणी और उनके बदले कोई नया चेहरा सामने आ सकता है? जी बिल्कुल, हालांकि आपकी आवाज मुझे बरोबर नहीं आ रही है, पर मैं जो सुन पा रहा हूँ उसी हिसाब से यही है कि विजय रूपाणी हालांकि वहां पे सर्वमान्य नेता माने जा रहे हैं, 2 बार उनको टर्म दिया गया था, काम काफी अच्छा ही है उनका, लेकिन जो कोरोना काल में जिस तरह से गुजरात में जो काम होना चाहिए था उससे संतुष्ट केंद्र जो है यानी कि सेंट्रल जो है बीजेपी वो खुश नहीं दिखाई दे रही है, और जिस तरह से बाकी राज्यों में मुख्यमंत्री को चेंज किया गया था उसी तरह से जो है वो यहाँ पे निर्मल, सबसे बड़ी बात है कि विजय रूपाणी के इस्तीफा के बाद गुजरात की जो लोग हैं उनके रिएक्शन क्या है और बीजेपी पार्टी के कर्मकर्ताओं के रिएक्शन क्या है? जी बिल्कुल, यहाँ हालांकि आवाज जो है वो आपकी प्रॉपर मुझे अभी भी नहीं आ पा रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी बात को मैं समझ, आज एक बार अपना सवाल दोहराएंगे प्लीज। निर्मल, विजय रूपाणी के इस्तीफा के बाद गुजरात के लोगों के रिएक्शन क्या है, वो खुश है या नहीं, या बीजेपी के जो कार्यकर्ता है गुजरात के उनके रिएक्शन क्या है? जी ये फिलहाल किसी भी तरह का जो है वो बात करना वाजिब नहीं माना जा रहा है कि विजय रूपाणी वहां पे जो सर्वमान्य नेता ही माने जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं नितिन पटेल और विजय रूपाणी में कहा जाता है कि थोड़ी सी अनबन जरूर रहती है। पहले जो ये सेकंड टर्म में भी नितिन पटेल को अपने आप को मुख्यमंत्री मान के चल रहे थे और लगा था कि विजय रूपाणी जो है वो काफी
उस तरह से बोल्ड डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो नितिन पटेल है उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उन बीजेपी के कार्यकर्ता को भी यही लगा था, लेकिन फिर से वापस उनको ही सेकंड टर्म भी दिया गया, विजय रूपानी को ही दिया गया, और उससे नाराज भी हो गए थे नितिन पटेल, और उनको मनाने जाना पड़ा था, ये स्थिति आई थी। और फिर नितिन पटेल को जो है उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, गृह मंत्री बनाया गया था, लेकिन नितिन पटेल हमेशा जो है वो अपने काम अलग करके सुर्खियों में रहे थे, और विजय रूपानी कद्दावर नेता इतने नहीं बन पाए थे, चाहे वो कार्यकर्ताओं के बीच में हो या लोगों की जनता के बीच में भी हो। तो कहीं ना कहीं ये बात मानी जा रही है कि जिस तरह से बीजेपी का कार्य है, जिस तरह से बीजेपी का काम होता है, विजय रूपानी अभी तो इस्तीफा देते हैं, इसके बाद अगर मुख्यमंत्री के लिए कोई नया चेहरा सामने आएंगे, किस किस के नाम चर्चे हो रहे हैं? देखिए अभी ये जल्दबाजी होगी किसी मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा करना, क्योंकि अभी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है विजय रूपानी ने, और अब जो है वो नाम आगे आएंगे। वैसे नितिन पटेल जो है उनका नाम पहले से ही आगे है ही है, प्रदीप सिंह जडेजा है वो भी बड़ा चेहरा है, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो बहुत जल्दबाजी होगी किसी भी तरह का ये कयास लगाना कि नेता कौन होगा। बीजेपी हमेशा आपने देखा कुछ अलग सा ही करती है कि नामों के कयास अलग लगाए जाते हैं, वही चेहरा कुछ अलग ही होता है। जैसे आपने किसी भी जगह पे देखा होगा, उत्तराखंड हो या यूपी में भी हो, तो चेहरे वो अचानक ही नए लाते हैं, और अभी इस तरह से कहना काफी मुश्किल है कि कौन नेता आएगा। हालांकि पहली रो में माने जा रहा है कि नितिन पटेल जो है वो बन सकते हैं, क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री भी है और गृह मंत्री, और काफी दबदबा भी माना जाता है नितिन पटेल का, लेकिन ये अभी फिलहाल कयास ही है जी। ओके, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। इथिले निर्मला त्रिवेदी आम जिमेजा प्रतिनिधि, अर्पण गांजीवाला अच्छा प्रतिनिधि सहित जोड़े। अर्पण, अगर देखेंगे फिलहाल की खबर ये तो है विजय रूपानी इस्तीफा दे दिए हैं, आपके पास अपडेट क्या है? जी, अभी जो आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने अपना इस्तीफा दिया है, और इसी के साथ कह सकते हैं कि पूरा जो मंत्रिमंडल है वो भी बर्खास्त हो चुका है। तो अब सबके मुंह पे गुजरात में एक ही सवाल है कि अब नया सीएम कौन रहेगा। अभी जो बातें चल रही है, जो राजनीतिक सूत्रों तरफ से बातें मिल रही है, उसके मुताबिक सबसे पहला नाम अचानक ही जो उभर कर आ रहा है वो है गोवर्धन जड़फिया, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में भी मंत्री थे और अभी के हालात में वो प्रदेश भाजपा के उप प्रमुख है। दूसरा नाम सामने आ रहा है नितिन पटेल का, जो अभी उप मुख्यमंत्री, और तीसरा जो नाम चल रहा है वो है केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया, वो भी पाटीदार कद्दावर नेता है। यानी अभी तीन नाम चल रहे हैं, लेकिन आधिकारिक फैसला, जो आधिकारिक जिसको बोल सकते हैं अनाउंसमेंट, वो तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन अभी जो हालात राजकीय एकाएक जो बने हैं उसको लेकर पूरे गुजरात में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि पिछले एक डेढ़ महीने पहले जो भाजपा के जो विधायक थे उनकी जो बैठक हुई थी, तभी ये बात चल रही थी कि सीएम कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद पूरा मामला शांत हो गया था। और आज अचानक ही अभी आधे पौने घंटे पहले सीएम रूपाणी राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मिलने अपने सभी सीनियर मंत्रियों की और तीनों केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में पहुंचे, और उसके बाद तुरंत उन्होंने ये घोषणा की कि मैं सीएम पद से इस्तीफा दे रहा हूं। अर्पण, विजय रूपानी ने सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद ये कहा जा सकता है कि गुजरात में बीजेपी के लिए ये बड़ा उलटफेर है? बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा उलटफेर है, और इसको इस नजरिए से भी देखा जा रहा है कि भले गुजरात का जो इलेक्शन है वो दिसंबर 2022 में शेड्यूल है, लेकिन जिस तरह से अभी भाजपा ने ये अचानक निर्णय लिया है उसको देखते हुए शायद ये जो चुनाव है वो अपने तय समय से पहले भी आ सकते हैं, ऐसा अभी राजकीय अनुमान लगाया जा रहा है। अब देखना ये है कि इस्तीफे के बाद अब भाजपा के जो प्रदेश नेता है या फिर उनके जो केंद्रीय नेता है उनके आदेश के बाद कौन सा नया चेहरा सीएम के कुर्सी पर बैठेगा, क्योंकि उस पर ही पूरे गुजरात की राजनीति आने वाले समय में तय होने वाली है। ओके, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।